हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की रेसिपी है सिंघाड़े की कचरी। ये भी मैंने कुछ अलग स्टाइल से बनाई है, बहुत आसान तरीके से बनाई है और देखिए कितनी यमी बनी है ना, और एकदम क्विक तरीका है। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई खास स्टेप्स नहीं है, फटाफट हम इसे कुकर में बनाएंगे। तो ये मैंने 1 किलो सिंघाड़े ले लिए हैं, मीठे मीठे से सिंघाड़े हैं, ज़्यादा पके हुए नहीं हैं ये, ठीक है। और इसको बस छील लिया है, धो लिया है एक बार। और यहाँ पर मैंने तीन चार हरी मिर्च और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया। इन सबको मैंने छील के अच्छे से जो है धो लिया है, ठीक है। उसके बाद ले लिया है कुकर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ऑयल। यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूँगी ताकि मेरा बटर जो है जले ना, बटर में बनाएंगे हम इसे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच बटर। तो यहाँ पे 2 चम्मच बटर डालने के बाद अब इसमें हम ये मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 2 चम्मच के आसपास है ये, और ये देखो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं हूँ अंजलि, ब्लॉगर अंजलि चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये देखिए 2 चम्मच बड़ी वाली मैंने इसमें बटर डाल दिया है। तो क्या होता है ना, सिंघाड़े की कचरी बनाने में बड़ा आलस आता है, लगता है यार इतनी सारी स्टेप्स हैं, भूनो भानो छीलो उबालो हैं फिर भूनो। तो इस वजह से ये ज़्यादा बढ़िया आसान तरीका है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया और बटर मेल्ट हो जाएगा इसी के साथ। और फटाफट से हम क्या करेंगे, बस ये जीरा थोड़ा सा तड़क गया है, भुन गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है बहुत अच्छी बटर की और जीरे की। और यहाँ पे ही 3-4 हरी मिर्च ऐसी काट के डाल दी, ठीक है। अगर हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो मत डालो, वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में सबको अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा तीखा पसंद है और सिंघाड़े के साथ थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च काट के डाल दी हैं और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे इसी बटर में। और यहीं पे बस हमें क्या करना है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा एक बार, सबको बहुत पसंद आएगी और बनाने में बहुत आसान है। तो ये छोटा सा जो अदरक का टुकड़ा था ना, इसको भी काट के डाल दिया है यहीं पर, थोड़ा सा इसे भी हल्का सा सौते कर लेंगे, ठीक है। एक बार इस तरीके से सौते हो गए ये, बस ज़रा सा भून के, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ज़्यादा हम भूनेंगे ना तो हमारा जो अदरक है वो कड़वा टेस्ट करेगा। और बस ये जो हमने सिंघाड़े थे इसमें डाल दिए साबुत, ना इन्हें काटा है ना कुछ करा है, बस छील के सिंपल हमने धो के इसमें ऐड कर दिया है कुकर में। और बस इसे 1-2 बार चलाएँगे, थोड़ा सा ये हल्का सा भुन जाएगा, मीडियम फ्लेम कर रखे हैं मैंने गैस की इस समय। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैं क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च, बस और कुछ नहीं डाल रही। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के आसपास नमक डाला, अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा नमक, कम ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना कि ये सिंघाड़े देखने में ज़्यादा लगते हैं लेकिन जब ये बन जाते हैं ना तो सब बहुत कम हो जाते हैं क्वान्टिटी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है ना सिंघाड़ों में। तो ये पूरी कचरी सिर्फ 2 कटोरी में आ गई थी, ये समझिए बन के, 1 किलो सिंघाड़े की कचरी। तो इसलिए बस मैंने नमक और मिर्च डाली है और अच्छे से इसे मिला दिया है बहुत बढ़िया करके। और बस इसके बाद क्या करना है हमें, ये थोड़ा सा मैं इसमें पनीर मसाला डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पनीर मसाला जो होता है ना, इसमें सारे हमारे सारे मसाले मिले हुए होते हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया वगैरह सब। तो 2 चम्मच मैंने ये डाल दिया थोड़ा और अच्छे फ्लेवर के लिए, और कोई मसाला डालने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास पनीर मसाला ना हो मत डालना, कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके बिना बनेगी नहीं, लेकिन बना के ज़रूर देखना, रेसिपी बहुत बढ़िया है और बहुत ही टेस्टी यमी बनी थी। बस बटर ज़रूर डालना, बिना बटर के मज़ा नहीं आएगा इतना ज़्यादा। अगर बटर ना हो तो कोई बात नहीं, देसी घी डाल लेना, देसी घी से भी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 कड़छिए वाली पानी, क्योंकि हम कुकर प्रेशर कुक कर रहे हैं तो ताकि ये सिंघाड़े जले ना, बस मैंने 2 कड़छी पानी डाल दिया है। और अब मैं इसे बंद करके लगा दूँगी इसमें 3 सीटी, 3 विसल लगा लेंगे हम 2 मीडियम फ्लेम पे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये देखिए 3 मैंने सीटी लगा ली हैं और उसके बाद ये प्रेशर कुकर खोल के देखा, देखिए कितनी बिल्कुल बढ़िया गल गए हैं ना ये। अब अगर एक कंडीशन और है, यहाँ पर जो है ना इस तरीके से मैं इसे मैश कर रही हूँ, देखिए वैसे तो पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं और ये इस कड़छी से ही बहुत आराम से मैश हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे ही मैश हो जाएंगे सारे, बस इन्हें सबको मैश कर लेना है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो सिंघाड़े बहुत अच्छे हों, जैसे मैंने मीठे मीठे से सिंघाड़े लिए थे ना, पके हुए नहीं थे तो ये एकदम गल गए थे 2-3 सीटी में ही,
और अगर सिंघाड़े थोड़े से पके हुए हैं, मोटे मोटे हैं, तो उन्हें 4-5 सीटी लगा लीजिए, तो वो पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना। करछी से यहाँ पे मैं इसे हल्का हल्का मैश कर रही हूँ, और गैस मैंने ऑन ही रख रखी है, तो मैश करते करते ही हम इसे भून भी रहे हैं। ठीक है ना, ये मैंने गैस ऑन कर दी और यहाँ पे हम इसे भूनते भी जा रहे हैं। तो बस हमें 1-2 मिनट और भूनना है इसे, बस मैश करना है। तो ये जो पानी पानी सा दिख रहा है ना आपको, ये सब मैश करने से ये पानी जो है सारा जो है मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, और ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा और बहुत ही बढ़िया यमी बन जाएगा। तो यहाँ पे भूनते भी जाएंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा उड़ जाएगा। ठीक है, और बस मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे इस सारे काम में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे बस। और इसे मैंने इस तरीके से अच्छे से भूना है। अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं कि आप चटनी डाल सकते हो इसके अंदर, धनिया की चटनी अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है उससे भी, क्योंकि इसमें अदरक हरी मिर्च तो हमने इसमें डाल ही दिया है, तो आई थिंक इसमें आपको हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आज इसमें कुछ भी नहीं डाला है, अगर डालना चाहो तो आप हरी धनिया की चटनी, लाल मिर्च सूखी ऊपर से डाल सकते हो। तो देखिए भूनते भूनते ना तली छोड़ रहा है ये पेस्ट। ठीक है, सिंघाड़ा जो है कुकर की तली को छोड़ रहा है। अब यहाँ पे आप टेस्ट करके देख लीजिए, नमक मिर्ची वगैरह कुछ आपको कम लग रहा हो, ज़्यादा लग रहा हो, उस हिसाब से आप इसे बैलेंस करना, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए ये भुन गया, यहाँ पर भी कुकर जो है हमारा नीचे छोड़ रहा है ना, इसे और आधा हम 1 मिनट और भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये अच्छा सा इसमें सारा ऑयल ऊपर आने लगे। और आई थिंक मेरा जो है अब कचरी तैयार हो चुकी है, देखिए। तो अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कटोरी में इसको निकाल लिया, और उसके बाद ऐसी 2 कटोरी बनी थी बस के, तो ये बन के ना बहुत कम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा सिंगाड़ों का ही बनाना अगर ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है, तो और नमक बड़े ध्यान से डालना इसमें, क्योंकि हमने बटर भी डाला है, उसमें भी नमक होता है, और ये बन के जरा सा हो जाता है, नमक का अंदाज़ा जनरली नहीं लग पाता सबको, तो थोड़ा कम ही डालना पहले। ठीक है, ऊपर से डाल देना। और ये हो गया मक्खन, ये मैंने मक्खन डाल दिया, और एक हरी मिर्च अगर किसी को ज़रूरत है गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें लगा दी है। अब यहाँ पे आप हरा धनिया भी डाल सकते हो, हरी चटनी डाल सकते हो, अदरक तो हमने डाल ही दिया था इसके अंदर, डिपेंड करता है, लाल मिर्च डाल सकते हो भून के। बहुत ही यमी टेस्टी सिंघाड़े की कचरी तैयार है, और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, सर्दियों में बहुत बढ़िया रहती है और खाना भी चाहिए, और बहुत यमी सीजनल चीज़ है। तो एक बार ऐसे बना के देखना, देखो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा और कितनी बढ़िया बन गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने ली है एक छोटी सी बाइट, और अब मैं इसको करूँगी टेस्ट। ये लो, यम्मी, बहुत यमी है, बहुत ही यमी है, बहुत टेस्टी, और पराठा रोटी के साथ भी इसे आप खा सकते हो। और वैसे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, चाट की तरह, थोड़ा चाट मसाला डाल लेना ऊपर से, और बहुत बढ़िया। तो इन्जॉय कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही क्विक है, और सबको पसंद आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।